तो एरे के टेस्ट के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जो कि कुछ क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करने हैं। पहली क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि यहां पे बिटवीन टू डेट्स, मुझे दो डेट के बीच में नंबर ऑफ सैटरडे एंड नंबर ऑफ संडे को कैलकुलेट करना है। कितने सैटरडे एंड कितने नंबर ऑफ संडे। हालांकि इसको कैलकुलेट किया जा सकता है बड़ी आसानी से विदाउट एरे। कैसे बताता हूं आपको। हमारे पास, हमने क्या किया कि यहां पे फॉर्मा लगाया नेटवर्क डेज का, नेटवर्क डेज, और नेटवर्क डेज में हमने स्टार्ट डेट और सॉरी स्टार्ट डेट एंड एंड डेट ले लिया। ये 21 दिखा रहा है। एक और फॉर्मूला आता है नेटवर्क डेज आई एन टी एम, नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एम, सॉरी और इसमें भी मैंने सिलेक्ट किया स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और इसमें हमने वीकेंड्स में संडे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था, आप इसमें से 26 माइनस 21, तो सितंबर महीने में 5 सैटरडे है। कैसे, नेटवर्क डेज और आई एन टी एल क्या करता है, नेटवर्क डेज करता है कि सैटरडे एंड संडे दोनों को एक्सट्रैक्ट करता है, मतलब कि इग्नोर करके नंबर ऑफ डेज बताता है। और नेटवर्क डॉट आई एन टी एल में आपके पास चॉइस होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर डेट को हटा सकते हो। तो मैंने संडे को हटाया, सैटरडे को नहीं हटाया। तो सैटरडे और संडे दोनों जब हट जाता है तो 21 दिन बनते हैं, और सिर्फ संडे हटता है तो 26 दिन बनता है। तो सैटरडे कितना हुआ, 5 दिन हुआ। बट ये मेथड जो है एक्सेल 2013-16 में तो वर्क करेगा, बट 2007 या उससे लोअर वर्जन में वर्क नहीं करेगा, बिकॉज नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल का फॉर्मूला अपडेटेड फॉर्मूला है, ये लोअर वर्जन में नहीं है। सो मैं यहां पे एक काम एरे के साथ करना चाहता हूं। अब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट है कि सबसे पहले हम इसमें इसको सेलेक्ट करते हैं और इसमें +1 करके 30 तक ले जाएंगे। तीस तक करता हूं मैं, ठीक है। और फिर मैं यहां पे फॉर्मा लगाता हूं किसका, टेक्स्ट का, और इसको कन्वर्ट करता हूं सैटरडे एंड संडे में। उसके लिए हम 3 बार डीडी लिख देते हैं। तो एरे में अगर समझ में नहीं आ रहा है फॉर्मूला, तो सबसे उसको आप मैनुअल में लगा लें। मैनुअल में लगाने के बाद फिर उसको एरे में तोड़े, तब आपको एरे समझ में आएगा। फिर कहते हैं कि इफ अगर ए इक्वल टू, सॉरी ए नहीं, यहां पे यहां इसको ए इक्वल टू सैटरडे, सैटरडे है तो 1 आए, अदरवाइज 0 आए। ठीक है, फिर मैं इसको सम से सम करके बता दूंगा कि टोटल 5 सैटरडे है, राइट। अब जैसे फॉर्मूला, इसमें क्या हुआ कि पहले हमने डेट जितना 31 तक लिखा, फिर उसमें हमने उसको डेट में कन्वर्ट किया, किसमें, डेज में, फिर हमने कंडीशन लगाई और फिर उसमें हमने सम कर लिया। अब इसी मेथड को यहां एरे में डालते हैं एक सेल के अंदर में, कि सम इफ टेक्स्ट
और इसको सिलेक्ट कर लिया। और लूप के लिए क्या बोला था, प्लस रो, रो एक से लेके 30 तक। ठीक है, एक से लेके 30 तक, कॉमा डी डी यहां पे ब्रैकेट इक्वल टू सैटरडे कॉमा 1, 0 और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, रिजल्ट आ गया। तो महेश जी, मनीष जी, संतोष जी एंड सौरभ गुप्ता जी, एनी डाउट इन दिस एग्जाम्पल? यस सर। डाउट है? नो। लेकिन इसमें गलती है, क्या चीज की गलती है बताइए। अभी रिजल्ट सही दे रहा है लेकिन फ्यूचर में रिजल्ट एक गड़बड़ दे सकता है, यहां यहां गलती है। चलिए इसको एवलेट करता हूं तब पता चलेगा। एवलेट फॉर्मूला देखिए, डेट निकला 42 4 2 9 7 9, कौन सा डेट है, 1 सितंबर का डेट है। और रो ने क्या किया, 1 से लेकर 30 तक टूटा। अब मैं इसको प्लस करूंगा तो ए हो जाएगा देखिए 12980, मतलब कि 2 सितंबर, 2 सितंबर से 1 अक्टूबर बन गया। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैं यहां पर 2 लिख रखा हूं, अब मुझे इसको सम करना है 10 तक। तो हमने इसमें क्या किया कि प्लस 10 कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, रिजल्ट आ रहा है। लेकिन इसकी रिजल्ट को आप देखोगे तो क्या होगा कि ए क्या हो गया, 2 है, अब प्लस 10, माफ कीजिए गलत कर दिया हमने, यहां पे प्लस 10 नहीं, प्लस रो, यहां पे हमने रो वाला मेथड अपनाना था ना, रो 1 से लेकर 10, लूप इसी को कहते हैं ना, 10 करना है ना, 2 के बाद 10 तक करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो 75 आ रहा है। क्यों आया देखिए, 2, अब रो क्या हो गया, 1 से लेकर 10 तक टूट गया। अब पर इसमें प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, 3 to 12 हो गया, जबकि हमें सम करना है 2 plus 10, 2 से लेकर 11 तक, अगली 2 के बाद अगली वैल्यू, तो 2, 3, 4, 5 ऐसे होने चाहिए, लेकिन 2 की जगह पे 3, 4, 5 हो रहा है, 1 ऐड हो जा रहा है। इसका सलूशन क्या है, इसका सलूशन यह है कि मैं इसमें 1 माइनस कर दूं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखिए 1 हमने माइनस कर दिया, अब आ गया 2 से 10 तक। तो सेम मेथड हमें यहां लगाना होगा कि रो में से हमें इसमें से माइनस 1 करने पड़ेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, समझे। दिक्कत कब करता, जब 1 सितंबर को अगर सैटरडे होता तो रिजल्ट गलत आता या संडे होता, इसलिए अब सही है। बट अभी भी मेरा ऑटोमेट नहीं है क्योंकि 30 सितंबर जो डेट है वो फिक्स है, कल के डेट में अगर जनवरी बना, फरवरी बना, या फिर मैं चाहता हूं कि दो डेटों के बीच की वैल्यू, तो फिक्स हो गया ना, तो इसके लिए भी हम वही मेथड अपनाएंगे, इनडायरेक्ट वाला मेथड जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, कॉन्कैटनेट, और हम कर देंगे इसमें से माइनस हो ए, इन दोनों डेट का माइनस डिफरेंस हमने निकाल लिया, और फिर इसको इनडायरेक्ट में डाल देते हैं। एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब इनडायरेक्ट में डालने के बाद अभी एक रिजल्ट कम आया, अभी एक मिनट, कंट्रोल शिफ्ट एंटर नहीं किया ना, फिर भी रिजल्ट कम आया, कोई गलती है, देखिए क्या गलती है, देख लेता हूँ क्या गलती है। डेट, स्टार्ट डेट एंड डेट दोनों का डिफरेंस 29 निकला, हाँ ये 29 नहीं 130 होना चाहिए था,
तो मुझे एक प्लस कर देना होगा इसमें, एक कम हो जाता है, अब रिजल्ट सही आएगा। देखिए दो डेट के बीच में 29 आया, एक प्लस हो गया 30 हो गया, एक से 30 इनडायरेक्ट ने उसको रेफरेंस में कन्वर्ट करके रो को दिया, एंड रो ने लूप में एक से लेकर 30 तक टूटा और डेट 30 डेट बना, और फिर एक माइनस करके फिर हमने कम कर दिए। फिर टेक्स्ट ने क्या किया, जैसे यहां पे हो रहा है, इसको संडे मंडे में कन्वर्ट किया। फिर इफ क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कहां कहां सैटरडे है, जहां जहां सैटरडे है वहां वहां से ट्रू डाल दिया। फिर इफ क्या करेगा, जहां जहां ट्रू है वहां वहां पे वन डाल देगा, और जहां पे फॉल्स है वहां वहां जीरो डाल देगा, जहां जहां वन है वहां वहां उसका सम टोटल कर लेगा, जीरो को टोटल करेगा नहीं, और हमारा रिजल्ट हो जाएगा। मतलब कि इतना लंबा कैलकुलेशन जो हमने किया था मैनुअल, उस कैलकुलेशन को एरे ने एक सेल में कर दिया। इसीलिए हम एरे को इस्तेमाल करते हैं और हम कहते हैं कि एरे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है सर, अब अगले दूसरी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरी क्वेश्चन इसी क्वेश्चन की सिमिलर है, बट इसमें ये नहीं देना है कि कितना है, ये देना है कि इसकी सेकेंड सैटरडे कौन सी होती है, क्योंकि तो बहुत सारी कंपनीज में या बैंक्स में सेकेंड सैटरडे हॉलीडे होता है, लास्ट सैटरडे हॉलीडे होता है, जैसे कि बैंकिंग बैंक्स में हो गया, इसमें बैंक्स में और बाकी जगहों पे मैंने देखा है बहुत सारे इस गवर्नमेंट ऑफिस में कि सैटरडे हाफ डे हुआ करती थी, तो सैटरडे हाफ डे हटा दिया, सैटरडे इज अ फुल डे, बट सेकेंड सैटरडे एंड लास्ट सैटरडे विल बी ऑफ, फुल डे ऑफ। तो यहां पे यही चीज हमें चेक करना है कि इस सितंबर महीने जो डेट लाए, इसका सेकेंड सैटरडे कौन सा दिन होगा। तो सेम मेथड लगाएंगे, तो पहले इसका मैनुअल कंसल्ट देखते हैं कि हम पहले इसको लूप में तोड़ेंगे पूरे महीने, ठीक है, फिर इसको हम टेक्स्ट फॉर्मूले से के जरिए इसको सैटरडे एंड संडे में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम यहां पे इफ का कंडीशन लगाएंगे कि इक्वल, अगर ए इक्वल टू सैटरडे है तो यहां पे इसकी डेट को शो करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो इसमें डेट शो हो गया, अब मुझे इसमें से दूसरी डेट चाहिए, सेकेंड सैटरडे दूसरी डेट चाहिए, तो इसके लिए अब हमारे पास मिनिमम करेंगे तो पहली, मैक्सिमम करेंगे तो लास्ट की डेट दिखेगी, लेकिन मुझे सेकेंड नंबर की चाहिए। तो याद होगा मैंने आपको स्मॉल का फॉर्मूला पढ़ाया था, अब स्मॉल फॉर्मूले में हम पूरे रिजल्ट को सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे टू मतलब दूसरा नंबर, तो ये दूसरा नंबर डेट दिखा देगा, हालांकि नंबर शो कर रहा है ना यहाँ पे। नंबर है तो ये पहला था और दूसरा यहां पे शो कर दिया, तो कंसेप्ट समझ में आया। अपने यहां पे फॉल्स क्यों रखा, क्योंकि फॉल्स को स्मॉल कंसीडर नहीं करता, लेकिन इसके जगह जीरो रख देता तो उसको कंसीडर करता, इसलिए मैंने फॉल्स रखा। अब यहां पे एरे में देते हैं, अब यहां पे देंगे स्मॉल, स्मॉल में हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पे प्लस करेंगे रो वन से लेके 30 तक, सेम माइनस वन करना पड़ेगा जो पिछली कंसेप्ट बताया था, इसके लिए नहीं, इसके अंदर नहीं, इफ करना पड़ेगा ना, वो कैसे कर दिया, गलती कर दिया, इफ इफ के अंदर में टेक्स्ट फिर कॉमा डी 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 इक्वल टू सैटरडे। अब यहां पे भी मुझे चाहिए डेट, तो ये दिख रहा है आपको, इसको ले लेता हूं मैं कॉपी, यहां पेस्ट कर देता हूं, बस सिंपल सा कंट्रोल। इसके बाद मैं इसको बंद करता हूं, इसको यहां पे टू,
कंट्रोल शिफ्ट एंटर 9 सितंबर। कैसे वर्क कर रहा है इसकी वर्किंग को देख लीजिए कि ये चला -1 करके, एक एक कम किया पूरा डेट, डेट को सैटरडे में कन्वर्ट किया, जहां जहां सैटरडे मैच किया वहां वहां पे क्या किया उसकी डेट को डाल दिया देखिए, और फिर स्मॉल उसको स्मॉल ले लिया। एंड द लास्ट सैटरडे के लिए आप यहां पे स्मॉल की जगह पे मैक्स या लार्ज लगा सकते हैं, ये आप खुद कर लीजिएगा। और ये भी कैलकुल नॉर्मल चीजें हैं, इसमें क्या है ये विदाउट एरे, इसमें एरे की जरूरत नहीं है। क्या है कि इसमें मतलब कि 10 सितंबर 2015 को 10 बजे हमने एक काम स्टार्ट किया और 20 सितंबर 14 बजे उस काम को खत्म किया। ये सब फालतू नहीं, तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड ही है ठीक है, ये ऊपर का फालतू करा गया। तो और हमारा शिफ्ट टाइम जो होता है वो 9 से 18 बजे का होता है, मतलब कि 9 घंटे का होता है। तो हमने कितना आपका प्रोजेक्ट में किया ये आपको कैलकुलेट करना है। अब ट्राई करोगे तो मैनुअली हो जाएगा, एरे की जरूरत नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपने कर ही लिया जैसे कि आपने बताया, और पांचवा नंबर क्वेश्चंस आपसे नहीं होगा, ये वीवीए के थ्रू होगा, एरे के थ्रू। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझा नहीं पाऊंगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं। और ये जो है स्ट्रैक नंबर, ये आपके पास जो मैंने एरे का बुक दिया था, आपको एक बुक दिया था 2010 की फॉर्मूले की, उसमें एरे के चैप्टर में जाएंगे तो इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्या बोल रहे हैं, ये एरे का बुक मिला एक्सेल की बुक आपको मिली है, एक्सेल की बुक, एरे का, एरे का आप लिंक भेजा था मैंने आपको स्टार्टिंग में, जो एरे स्टार्ट करने से पहले उसमें एक बुक का लिंक है, अच्छा, उसी में एरे का चैप्टर है। आप एक बार फिर से फॉलो कर दूँ वो लिंक। लोग देखते नहीं, मेल तक मेरी मेल नहीं देखते यार, इस बात का तो भाई दुख होता है मुझे। मिस मुझे नहीं मिला था। जब मैंने एरे फॉर्मूला स्टार्ट किया हाँ था कहाँ कुछ दिन, उसके एक सिक्सटी दिन बोला था पहले एक बार मैंने आपको ये मत कर सब एक एरे का ये भेजा था, अब मेल भेजा था जिसमें 5-10 एरे फॉर्मूले थे, एरे का ये था, क्या बोलते हैं वीडियोस थे। हाँ अच्छा ये वो फिर से भेज दीजिए। और इसमें नीचे वाला जो है वो एरे फॉर्मूला का बुक है जिसमें एक्सेल की फॉर्मूलेज भी है और साथ में उसमें एरेज का भी चैप्टर है, तो इस उसमें जाके एरे का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। नहीं ये लिंक मैं आप सबको भेज देता हूँ। तो आप सब क्या करें, आपको टाइम मिले तो सारे वीडियोज भी देख लीजिएगा और चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा और इसके क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिएगा ठीक है। फिर जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो उसकी कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालिए और टाइम निकाल के दीजिए ठीक है। तो आज मैं इतना ही रहने देता हूं, आगे की चीजें हम आपको अगली क्लास में बनाएंगे, लेकिन उससे पहले सारी रिकॉर्डिंग्स को आप देख लीजिएगा और बाकी चीजों पे भी आप देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, और रिकॉर्डिंग अभी तक की सारी रिकॉर्डिंग अपडेट कर दी है, ये भी रिकॉर्डिंग में अपडेट कर देता हूँ।